वेलकम टू आवर चैनल कैट कैम सॉल्यूशन मेरिट। और आज हम लोग बनाने वाले हैं इस प्लास्टिक पार्ट का कोर कैविटी। तो सबसे पहले मैं जो मेरे पास ये एक्स वाई जेड की पोर्शन को मैं कोऑर्डिनेट कर लेते हैं प्रॉपरली। जेड को आप ऊपर कर दीजिए और ओके ओके ये वाला एक पार्ट मेरा है, इसका कोर कैविटी बनाना है। तो यहाँ से जाएंगे और यहाँ से आप ले लीजिएगा मोल्ड। ओके तो यहाँ से इसका मोल्ड आ जाएगा। अभी आप यहाँ देखेंगे तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक करके मोल्ड विजार्ड को यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। इनिशियलाइज करेंगे प्रोजेक्ट को। सबसे पहले जो भी पार्ट आपने बना रखा है उस पार्ट का हमें स्केल देना पड़ता है, और ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ से आप यहाँ से चले जाइएगा इनिशियलाइज। यहाँ पे आके आप डिफाइन कर सकते हैं आपका मटेरियल कौन सा है, और ये मटेरियल जो है आपको तभी दिखाई देगा जब आपके पास मटेरियल की लाइब्रेरी होगी। ओके स्केल श्रिंकेज जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ले लेगा और इसे करते हैं हम ओके। वो डिपेंड करेगा मटेरियल पे, मटेरियल कौन सा है उसका श्रिंकेज अलग अलग होता है। तो लाइब्रेरी में अगर ले रखा है तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा उसका श्रिंकेज। और ये जो नेसेसरी फाइल हैं वो सब लोड कर रहा है। और एक चीज़ और जो मेनली प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम क्या आती है, अधिकतर स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर जब हम फाइल बनाते हैं तो बनती है और बाद में जब देखना चाहते हैं ओपन करके तो प्रॉपरली पूरी नहीं खुल पाती है हमारी मोल्ड की फाइल। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, आप इसे करिए कैंसिल। नो अभी मैं कुछ भी सेव नहीं कर रहा हूँ। और इस फाइल को दोबारा से ओपन करते हैं और इसे एक सेपरेट फोल्डर में मैं सेव कर देता हूँ। पहले आप इसे सेव एज कर दीजिएगा और एक नया फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। यहाँ से न्यू फोल्डर, न्यू मोल्ड, और इसके अंदर मैं इसे सेव कर देता हूँ मोल्ड फाइव। अभी मोल्ड फाइव के नाम से इसके अंदर सेव हो गया है। अब अगर मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा तो ये प्रोजेक्ट मेरा किसके अंदर जाएगा, उस न्यू मोल्ड वाले फोल्डर के अंदर चला जाएगा। ओके तो अब हम इसे श्रिंकेज यहाँ से देते हैं दोबारा से और ओके करेंगे। और अब सारी फाइलें हमारी उसके अंदर जाके सेव हो जाएंगी फोल्डर में। आप एक बार से सेव कर देंगे तो यहाँ से सेव करना पड़ेगा सेव। और कोऑर्डिनेट इस बार मैं इसका ठीक करना भूल गया हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे भी ठीक कर सकता हूँ क्योंकि Z हमारा ओपनिंग रहता है। तो Z साइड हमें कोर या कैविटी वाली साइड में रखना चाहिए। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसे कर देते हैं हम ओके। ये यहाँ से सेट हो जाएगा, फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। इसके बाद स्केल, आप यहाँ से स्केल दोबारा से देना चाहते हैं तो इसके लिए वही ऑप्शन है जो शुरू में आया था। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, यूनिफॉर्म रखना है, एक्सीमेट्रिक रखना है, या आपको जनरल रखना है। तो एक्सीमेट्रिक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे और जनरल के अंदर आप एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में अलग अलग स्केल ले पाएंगे। फिर एक वर्क पीस डिफाइन करेंगे जिसमें से मैं कोर कैविटी को निकालूंगा, कोर कैविटी को लूँगा, वो एक वर्क पीस मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से ये आ रहा है। इसमें कोई भी वैल्यू आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, स्केच बनाया वो चेंज कर सकते हैं, ऊपर का नीचे का गैप चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज़ यहाँ पे हैं यहाँ से आप इसे बढ़ाया घटा सकते हैं, स्केच में यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यूज़र डिफाइन ब्लॉक आपको कैविटी अगर सिंगल लेना चाहते हैं तो भी यहाँ से पिक कर सकते हैं। ओके कर दिया तो ये वर्क पीस मेरे पास आ गया है। इसमें अब आपको आगे लेना है यहाँ से चेक रीज़न। चेक रीज़न से क्या चेक करेंगे कि कौन सा पोर्शन हमारा कोर साइड है, कौन सा हमारा कैविटी साइड है। सो अभी ये शो नहीं कर रहा, जेड डायरेक्शन इधर जा रही है, तो जेड को मैं इधर से ले लेता हूँ, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव एरो इधर आ जाएगा। और अब रीसेट करके हम करते हैं कैलकुलेट, तो ये अब कैलकुलेट करेगा कोर साइड और कैविटी साइड को।
ओके, और इसे आप ओके कर दीजिए, या हम यहाँ से रीजन में जाके रीजन भी चेक कर सकते हैं कौन कौन से फेस में कौन कौन सा रीजन हमारा आ रहा है। ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी तो हम ओके करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। ओके, इसके बाद हमें यहाँ से लेना पड़ेगा ये पैच सरफेस, जो ये ऑब्जेक्ट है इसमें काफ़ी सारी ओपनिंग है, उसको हम पैच करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए ये सारे के सारे एजेस आपको दिखाई दे रही होंगी कहाँ कहाँ पे ओपनिंग है, वहाँ पे ये इसको पैच कर देगा। तो ओके करते हैं, देखते हैं कौन कौन से को पैच करेगा, जो भी रह जाएगा उसके लिए फिर हम अलग से ऑप्शन यूज़ करेंगे और पैचिंग करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, फेल टू पैच अप ऑल लूप्स, तो सभी को तो पैच कर नहीं पाया, कुछ को ये पैच कर चुका है। अब इसके अंदर बनाने के लिए आप क्या करिए, आप यहाँ से चले जाइए मॉडलिंग में, मॉडलिंग में जाके मैं इन सरफेस को जो ये बचे हुए हैं इनको पैच करूँगा। सरफेस के अंदर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है एन साइडेड सरफेस, तो एन साइडेड सरफेस को लेंगे, और ये आ रहा है ट्रिम टू बाउंड्री, और एक ही आ गई सरफेस, ठीक है, और अप्लाई इसी तरीके से अप्लाई करते जाना है। और ये भी तो पैच सरफेस मैंने ये खुद से बना ली है, और अब इनको मैं असाइन करूँगा कि ये वर्क करें एज अ पैच सरफेस। तो आप यहाँ से कर सकते हैं ये वाला ऑप्शन लेना, एडिट पार्टिंग और पैच सरफेस, तो ये तो ऑलरेडी थे ही, बाकी ये सरफेस जो मैंने सेलेक्ट कर अभी बनाई है उन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ओके, तो ये सब मेरी पैच सरफेस में ऐड हो गई है। इसके बाद मुझे लेना पड़ेगा यहाँ से डिफाइन रीजन, तो अब डिफाइन रीजन में कैविटी साइड ये वाला ले रहा है, और कुछ फेसेस और चाहिए, ये भी मेरा इसी में ही आएगा, जो कोर साइड है उसी में, तो ये सब इसमें मेरे पास आ गया है, और ये भी नीचे की साइड है, तो ये भी सब सिलेक्टेड ही है, एक ये था ये भी मैंने ले लिया, और इसे करते हैं अप्लाई। अब को साइड में जाता हूँ, को साइड मेरी ये है, तो ये वाला जो फेस है ये पूरा मेरा कोर में ही आएगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई और बचा है, क्लिक अब देखते हैं। अनडिफाइंड केस कोई सा भी नहीं है, सारे हमारे कोर और कैविटी के अंदर आ चुके हैं, और क्रिएट रीजन और क्रिएट पार्टिंग लाइन करके ओके कर दीजिए। तो ये अब इनका कोर का अलग रीजन और कैविटी का अलग रीजन डिफाइन करके निकालेगा, और पार्टिंग कहाँ पे है, जहाँ पे पार्टिंग होगी वहाँ पे ये पार्टिंग लाइन को ले लेगा। तो पार्टिंग लाइन ये है, ब्राउन कलर की दिख रही होगी आपको, यहाँ से पार्टिंग होगा ये कंपोनेंट, और नेक्स्ट हमें पार्टिंग सरफेस बनानी है। पार्टिंग सरफेस बनेगी ये हमारी पार्टिंग लाइन के अकॉर्डिंग, ओके, इस वर्कपीस से बड़ा आपको रखना है, ये बन के आ गया। अब इसके बाद हम लेते हैं यहाँ से ये डिफाइन कोर कैविटी और अप्लाई,
ये हमारा कवर हो गया। ओके और सेकंड अप्लाई। ये हमारा कैविटी साइड हो गया है। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी मैं VMC पे प्रोग्रामिंग करके भी दिखाऊं, NXCAM में कैसे इसके लिए प्रोग्राम जनरेट करेंगे, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपको इसके लिए प्रोग्राम जनरेट करना भी सिखा दूंगा, कैसे इसके अंदर आप कैम में जाके प्रोग्राम जनरेट करेंगे। ओके और फिलहाल मैं ओके करते हैं, सेव हो जाएगा ये। अब आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। आप विंडो में जाएंगे तो देखिए इतनी सारी फाइलें हमारी ये बन के आई हैं। इसमें से आपको ये टॉप इस पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको ये पूरा असेंबली में पार्ट पूरी मिल जाएगी। या आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ से प्रोडक्ट इसके अंदर भी आपको ये पूरा मिल जाएगा। आप कोई सा भी दोनों में से ले सकते हैं। और इसके अंदर आने के बाद अब आप असेंबली में आएँ और यहाँ से मैं मूव कंपोनेंट लेता हूँ और अब इन कंपोनेंट को आप अलग से सिलेक्शन कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। इसे फिर हटाते हैं, डिसलेक्ट करिए जो पार्ट था उसे पिक करते हैं और मूव। फिर इसे आप डिसलेक्ट करिए, नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट करिए और मूव। तो देखिए इस तरीके से कोड कैविटी और पार्ट ये पूरा मेरा यहाँ पे जनरेट होके आ गया है। होप आपको ट्यूटोरियल प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कैसे इसको हम जनरेट करेंगे। सो कोई भी क्वेरी से अगर कोई भी चीज़ अभी तक भी डाउटफुल आपका रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको और प्रॉपरली और क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, आगे इसका अंदर मोल्ड बेस कैसे लाएंगे, इजेक्टर पिन कैसे लगेगी, वो सब भी आपको बताऊँगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड